अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को। हम देखेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका डेफिनेशनल फॉर्मूला क्या है, इसका कंप्यूटेशनल फॉर्मूला क्या है, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे कि इसको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। और हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 5 स्टेप्स होते हैं, उसमें इसके रिजल्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह एक पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या मतलब होता है, ठीक है, और पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट की असम्पशंस क्या होती है, कब आपको पता चलता है कि आपने पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन जो है वो अप्लाई करना है आपके क्वेश्चन में, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम ऑफ स्केयर डिवीजन को हम लिखते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। सम ऑफ स्केयर डिवीजन को हम प्रेजेंट करते हैं एस एस से, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन। ये क्या है? सम है, किस चीज़ का है? स्केयर है डिवीजन का, ठीक है। तो इसको हम अगर ओपन करें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार, तो सेम बात है, वही बात है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सिग्मा एक्स होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन। ये सब किस चीज़ के फॉर्मूला है? सम ऑफ स्केयर डिवीजन के, ठीक हो गया। अगर आप इस फॉर्मूला को हर किसी को आप n के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n कर दें, इसको भी होल डिवाइडेड बाय n कर दें, ठीक है, और इसको भी होल डिवाइडेड बाय n कर दें, तो ये हमारे पास किस चीज़ के फॉर्मूला बन जाते हैं? ये हमारे पास बनता है वेरियंस का, ठीक है, और वेरियंस को आप एस स्केयर से डिनोट करते हैं, फिर ये हमारे पास एस एस नहीं आएगा, यहाँ पर एस स्केयर आएगा, ठीक है। तो एस स्केयर हमारे पास क्या आता है? वेरियंस। अब ये सब चीज़ किसके फॉर्मूलाज बन गए हैं? ये सब वेरियंस के, ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि ये सब क्या है? ये तो एक वेरिएबल के साथ डील करें, एक्स के साथ, ठीक है। एक्स की डिवीजन है किसके से? एक्स बार से, मतलब एक्स के ही मीन से। लेकिन जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन में हमारे पास हमेशा दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार, हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है कॉन्सेप्चुअली। सिर्फ इसमें ये चीज़, इस बात का फ़र्क है कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल के साथ डीलिंग हो रही है और इसमें दो वेरिएबल्स, एक एक्स और एक वाई, ठीक हो गया। बात वही है दोनों में बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके बाद जी मल्टीप्लाइंग, हम इसको क्या करते हैं? इसको अगर मल्टीप्लाइंग डेविएशन सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन एस पी, अच्छा इसको इसमें आप देखें तो हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने डेविएशंस हमने आपस में मल्टीप्लाई किए हैं दो वेरिएबल्स की, सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशंस है, इसको हम एस पी। अब ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया है? एस पी का, ठीक है। एस पी का क्या मतलब होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशंस। तो किस चीज़ का ये है? मतलब ये सम है, ये सिग्मा किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? सम को। सम है किस चीज़ का? प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट किन किस चीज़ का? डेविएशंस का है, एक्स और एक्स बार की डेविएशंस और वाई और वाई बार की डेविएशंस, इनका प्रोडक्ट है जिसका सम लिया हुआ है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाता है? एस पी का फॉर्मूला, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो एस पी है, आप इसको हम अगर हम इसको डिवाइडेड बाय एन माइनस टू कर दें, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है? दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के साथ हम डील कर रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाय, पहले ऊपर हमने क्या किया हुआ था? डिवाइडेड बाय एन किया था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब हम एस पी के साथ डील कर रहे हैं तो इसको हम डिवाइडेड बाय एन माइनस टू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? दो वेरिएबल्स हैं, ठीक हो गया। जब आप इसको डिवाइडेड बाय एन माइनस टू करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? कोवेरियंस, ठीक है। ये एस पी नहीं रहता, ये फिर हमारे पास होता है कोवेरियंस, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कोवेरियंस, ठीक है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? कोवेरियंस का। ये एस पी का नहीं रहा जब आपने इसको एन डिवाइडेड बाय टू किया, ठीक हो गया। और दूसरा बिल्कुल एग्जैक्टली वही फार्मूला ऊपर वाला भी था ना, सिग्मा एक्स, इसको हम बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन। ये हमारे पास अब किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये एस पी का ही है। ये एस पी का क्या है? एक कंप्यूटेशनल फार्मूला है, ठीक है। और वो जो ऊपर हमने पढ़ा, ये एस पी का क्या था? ये वाला, ये एस पी का होता है डेफिनेशनल फार्मूला जो हमने एस से डराइव किया, ठीक है। लेकिन ये जो कंप्यूटेशनल फार्मूला होता है ये डायरेक्ट है, इसकी कोई डराइवेशन नहीं हमें मिलती। एस पी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करें आपके क्वेश्चंस में एस पी को फाइंड आउट करने के लिए तो ये ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द डेफिनेशन फार्मूला, ठीक है। और ये हमारे पास कोवेरियंस का फार्मूला आ गया। उसके बाद अच्छा जी, और अगर हम यहाँ पर देखें तो आर हमारे पास क्या होता है? पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन होता है। तो डेफिनेशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये हमारे पास कोवेरियंस आई ना। तो लेकिन जब हम कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास उसका फॉर्मूला ये बनेगा, एन माइनस टू आ गया, लेकिन साथ में क्या आएगा? एस एक्स और एस वाई भी, ठीक है। तो एस एक्स किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को, और एक्स वाई जो एस वाई है वो किसको डिनोट कर रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड कोवेरियंस आ जाएगी, ठीक हो गया, स्टैंडर्डाइज्ड कोवेरिएशन। और ये हमारे पास कोरिलेशन का डेफिनेशनल फार्मूला, और इसका कंप्यूटेशनल फार्मूला क्या होगा? एस पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस एस एक्स एंड एस एस वाई, ठीक हो गया।
और इसमें हमारे पास एस एस एक्स जो है उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा एक्स के माइनस सिग्मा एक्स होल स्केयर डिवाइडेड बाय, और वाई के लिए सिग्मा एक्स पर एक्स सिग्मा वाई स्केयर माइनस सिग्मा वाई होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास कंप्यूटेशनल और इसका डेफिनेशनल फार्मूला। ठीक है, अब हम क्या करें, हम एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे और हम इसको डेफिनेशनल फार्मूला से कंप्यूटेशनल फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे किस चीज़ को, इस आर की वैल्यू को। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है। उन्होंने हमें क्या किया, हमें x की वैल्यूज़ दी हैं और y की वैल्यूज़ दी हैं, जस्ट ये दो वैल्यूज़ गिवन है, ये दो, उसके अलावा बाकी सब हमने खुद निकालने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले सबसे पहले फार्मूलाज लिख लें कि जो आपने क्वेश्चन में उन्होंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, कोरिलेशन पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कंप्यूटेशनल फार्मूला, उसमें आप देखें तो अब हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमने एस पी फाइंड आउट करना है तो ये हमने एस पी का फॉर्मूला लिख लिया, हमने एस एस एक्स फाइंड आउट करना है तो एस एस एक्स का लिख लिया। ठीक है, एस एस वाई करना है तो एस एस वाई का लिख लिया। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एस पी को देखें तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई के लिए हम क्या करेंगे कि हर वाई को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएँ और इनका एंड में सम कंप्यूट करें। तो हमने यहाँ पर ये किया, 110 मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया, 115 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया, इसी तरह हमने ये सबको बारी बारी मल्टीप्लाई कर लिया और ये होल का हमने सम ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू। दूसरी बात, ये हमने सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हमें चाहिए, हमने इन सबको प्लस कर लिया, ये सिग्मा एक्स आ गया, हमने इन सबको प्लस कर लिया, ये सिग्मा वाई आ गया डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर आपने एन किस तरह से लेना होता है, हम ये पेयर्स को काउंट आउट करते हैं। ठीक है, सिंगल को नहीं कि इतने इतने आ रहे, पेयर देखें तो ये एक पेयर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा और ये सातवां, हमारे पास सेवन पेयर्स हैं टोटल। तो एन हमारा कितना होगा, टेन, मतलब सेवन, सॉरी, किस चीज़ के पेयर्स, एक्स और वाई के पेयर इकट्ठा, मतलब आप टोटल काउंट आउट करेंगे, ये नहीं कि एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक दो तीन चार पाँच छः सात तो ये टोटल 14 बन रहे, इस तरह नहीं करेंगे, दोनों को इकट्ठा देखेंगे कि टोटल जो मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज हैं कंबाइन वो 7 है। ठीक हो गया, तो वो जो हमारे पास एन आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो ये सब वैल्यूज़, ये वैल्यू और 7, इन सबको हम पुट आउट करके हमारे पास एस पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने ये देखें, ये सारी वैल्यूज़ पुट आउट किए और हमारे पास एस पी की वैल्यू आ गई 8.14। इसी तरह उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एस एस एक्स, उसके लिए हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। हमने क्या किया, एक्स की सारी वैल्यूज़ का बारी बारी स्क्वायर लिया, ठीक है, और उसको हमने टोटल सम ले लिया तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, हमने सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लेना, तो ये हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू, इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया, 7 हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास एस एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास एस एस वाई है, तो उसके लिए आपने सिग्मा वाई स्केयर करना है, वाई की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको बारी बारी स्केयर करते जाएं, ठीक है, और टोटल का सम ले लें तो ये सिग्मा वाई स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और सिग्मा वाई का होल स्केयर, वाई का जो सिग्मा है इसका आपने स्केयर लेना, 71 का स्केयर लेना और डिवाइडेड बाई 7 कर देना, तो ये सब वैल्यूज़ में हमने पुट आउट किए और हमारे पास एस एस वाई भी आ गया। ठीक हो गया, अब आपका जो आर का फॉर्मूला था, अब आपने ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, ये तीनों चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली हैं, आप इसको फॉर्मूला में पुट करके बहुत आराम से अपना रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमने तीनों वैल्यूज को पुट आउट किया, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, डिवाइडेड किया और हमारे पास आंसर आ गया आर का 0.0197। ठीक हो गया, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा एंड क्रिटिकल वैल्यू, और फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स और डिस्कशन। ठीक है, इन सब जो स्टेप्स हैं इनमें हम अब किस तरह से हमारे इस पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट के रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते होते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, अब हमारी हाइपोथेसिस 1 टेल्ड है, ये 2 टेल्ड है, ये हमें क्वेश्चन से पता चलता है। तो अगर हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होती है वो तो हमेशा इस तरह हम करते हैं कि कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि ये हमारे पास रो है। ठीक है, रो हम किस चीज़ को डिनोट करती है, कोरिलेशन को। तो अगर रो जीरो हो तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, और अगर रो जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई कोरिलेशन है। तो जब नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा हो तो ये हमारे पास क्या होती है, 2 टेल होती है। मतलब वो ये नहीं बता रही कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, जस्ट ये बता रही कि कोरिलेशन है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, 2 टेल्ड। ये हमें हाइपोथेसिस बता रही है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, 2 टेल्ड है। ठीक हो गया, उसके बाद एक्स और वाई जो है पेयर में है तो हम क्या करते हैं, टोटल का देखते हैं, जो मैंने आपको बताया कि एन हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास एन क्या है, 7 है। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास पहला काम हो गया कि हमने हाइपोथेसिस बना ली, अल्टरनेट भी बना ली और हमने नल भी बना ली। ठीक हो गया, अब सेकंड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम अल्फा कहते हैं, और साथ में हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये हमें क्या होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 0.05 है। ठीक है, वो 2 टेल्ड है, ये हमें हाइपोथेसिस से पता चल गया। ठीक हो गया, ये भी हमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। उसके बाद डी एफ क्या होता है, डी एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, एन माइनस टू करते हैं, वेरिएबल्स दो हो तो एन माइनस टू, ठीक है। एन हमारा कितना था, सेवन था, हमने जब इन पेयर्स को काउंट आउट किया था इन सब को, तो ये हमारे पास कितने बन रहे थे, टोटल सेवन थे, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो हमारा एन टू है, तो डी एफ में हम क्या करेंगे, एन माइनस टू, तो एन हमारा था सॉरी सेवन था, तो हमने सेवन माइनस टू किया, तो हमारा डी एफ की वैल्यू क्या आ गई, फाइव आ गई, ठीक है। एल्फा हमें पता है 0.05 है, ठीक है, और वो क्या है, टू टेल्ड है, और डी एफ की वैल्यू क्या है, फाइव है। अब हम इसको जाके देखेंगे पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के टेबल में। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का, ठीक है, ये आपको टेबल मिल जाएंगे, टेबल में लिखा हुआ है पियर्सन कोरिलेशन आ गया हमारे पास। हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, अल्फा सबसे पहले हमने देखना है, ये टू टेल्ड है, ये वन टेल्ड है, तो टू टेल्ड था तो हमने क्या देखना है, ये हमारे पास टू टेल्ड आ रहे हैं, ये टू टेल्ड में हमने इसमें देखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो क्या होना चाहिए, अल्फा क्या है, 0.05 है, तो ये हमारे पास है अल्फा 0.05, ठीक हो गया। तीसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो डी एफ की वैल्यू है वो क्या है, फाइव है, तो ये हमारे पास है डी एफ की वैल्यू 4.5, ठीक है। तो ये देखेंगे 0.05 और ये 5, तो ये वाली वैल्यू बन रही है कंबाइन 0.754, तो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.754, और ये प्लस माइनस हमने क्यों साथ में लगाया, ये तो हमें यहाँ पर गिवन नहीं था, तो ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, टू टेल्ड है, हमारी हाइपोथेसिस टू टेल्ड हो तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगाते हैं, ठीक है। वो हमारे पास आ गई 0.754, और प्लस माइनस इसलिए लगाया हमने क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस क्या थी, टू टेल्ड थी, हमें ये नहीं पता था कि कोरिलेशन पॉजिटिव है कोरिलेशन नेगेटिव है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों लगा दिए, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अच्छा, ये क्रिटिकल वैल्यू जब आती है 0.754 और प्लस माइनस है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रा करते हैं, और ग्राफ जब भी हम ड्रा करते हैं तो हम इस तरह से ड्रा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने अब यहाँ से भी देखना है 754, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास होता है ना जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इधर आ जाएगा हमारे पास 0.754, ठीक है, ये 754 आ गया 754, और लेकिन ये प्लस है, ये प्लस 0.754 है, और ये इधर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 0.754, ठीक है, ये सारी टर्म आ जाएगी, तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ गई और ये हमारे पास नेगेटिव में आ गई, यहाँ पर हमने ये ग्राफ ड्रा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस, थर्ड स्टेप आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, और टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, कोरिलेशन का फॉर्मूला पुट आउट करते हैं और हम उसमें सारा स्टेप करते हैं जो हमने ऊपर कर लिया, ठीक है। ये हमने सारा काम जो किया था, ये सारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का पोर्शन था जिसमें हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट की, जो क्या थी 0.0197, वो हमने यहाँ पर लिख दी 0.0197। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है रिजल्ट्स का। अब रिजल्ट्स में हम क्या करते हैं, अब ये हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था ना, ये वाला हमारा ग्राफ, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इसकी वैल्यू है 0.0197, आप ये देखें कि ये ग्राफ में कहाँ लाए कर रही है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर जीरो आता है, ठीक है, ये जीरो है, और इधर हमारे पास क्या है, प्लस 0.75, और ये प्लस माइनस 0.75, ठीक है, ये 0 पॉइंट भी आएगा यहाँ पर, खाली पॉइंट नहीं, सेवन नहीं है, 0.75 है, ठीक है, और इधर भी 0.75, ठीक है, 0.0 है, देखे ना हमारे पास आया था, नहीं 0.754 है, ठीक है, तो ये आ गया 0.754 और ये भी आ गया 0.754, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, अब हमारा जो R की वैल्यू आई थी वो क्या थी, 0.0197, तो 0.7 जो है वो बड़ा है, तो 0.0197 जो वो कहाँ पर लाई करेगा, वो यहाँ पर लाई करेगा ऑलमोस्ट, ठीक है, 0.0197, तो ये मतलब ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है, और ये जो कलर्ड होता है ये हमारे पास क्या होता है, रिजेक्शन रीजन होता है, ठीक है। अगर वैल्यू इन कलर्ड रीजन्स में आए तो वो वैल्यू क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है, और अगर इस एक्सेप्टेंस रीजन में अनकलर्ड एरिया में आए तो हमारी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती है, तो 0.0197 आप देखें तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, ठीक है, ये 0.754 से पीछे आ रहा है 0.01, तो ये यहाँ पर लाई कर रहा है, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगी, एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। हम नल हाइपोथेसिस के लेकर चल रहे हैं तब से, उसकी बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से हम कहेंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा कि नल हाइपोथेसिस सपोर्ट हो गई है, और जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो हमारी जो अल्टरनेट होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। और नल हाइपोथेसिस ये कह रही थी कि एक्स और वाई में कोई कोरिलेशन नहीं है, नल हाइपोथेसिस ने ये कहा था कि कोई कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जब ये सपोर्ट हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि जो अल्टरनेट थी वो रिजेक्ट हो गई है और अब उन दोनों के दरमियान में कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ रिजेक्ट हो गई है, कोरिलेशन हमारा क्या है, इक्वल टू जीरो ही है, ठीक हो गया। तो डिस्कशन में ये आएगा कि एक्स और वाई कोरिलेट नहीं कर रहे और नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, और अगर कोई कोरिलेशन जो हमें मिला, ये आर की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 0.0197, ये कोरिलेशन की वैल्यू थी, अगर कोरिलेशन जीरो है तो ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये वैल्यू अगर आई है तो ये चांस फैक्टर्स की वजह से आई है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आया वो चांस फैक्टर की वजह से आया, बाय चांस कोई कोरिलेशन आ रहा है, लेकिन वैसे कोई कोरिलेशन नहीं,
इस तरह से हमने इन 5 स्टेप्स में इसको रिजल्ट्स को अप्लाई किया, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, एक पैरामीट्रिक टेस्ट है ये पियर्सन वाला। हाँ जी, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन क्या है, एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। और पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या फ़र्क होता है, वो वाले टेस्ट जिनके अंदर कोई क्राइटेरियन अजम्पशन होती हैं हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में, सैंपल जिससे हम टेकन कर रहे हैं, मतलब जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया उस पॉपुलेशन के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर वो उस पॉपुलेशन में वो करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं तो तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं, अगर पॉपुलेशन में वो करेक्टरिस्टिक्स पाई नहीं जाती हैं तो फिर हम पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं करते, हम स्पीयरमैन टेस्ट करते हैं, सॉरी हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाते हैं पियर्सन और इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्पीयरमैन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ठीक हो गया। ये आगे अगर ये क्वालिटीज़ फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर ये टेस्ट नहीं किया जाता और फिर ये वाला टेस्ट किया जाता है, ठीक हो गया। अब वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो पैरामीट्रिक टेस्ट में होनी चाहिए, तो वो टेस्ट से टेस्ट मैटर करती हैं। जो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है इसके लिए क्या अजम्पशन है, क्या क्वालिटीज़ हैं, तो वो 3 क्वालिटीज़ हैं हमारे पास। वो कौन सी हैं कि एक तो ये कि लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, वो हम स्कैटर प्लॉट से देखेंगे कि लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लाइन जो है वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप आए तो हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अगर आपकी पॉपुलेशन का लीनियर रिलेशनशिप होगा तो हम पियर्सन करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, इंटरवल एंड रेशियो पर इंटरवल कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं जो जिनके अंदर नंबर्स वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टीन्यूस वो होते हैं जो कैटेगोरिकल होते हैं, जिस तरह मेल फीमेल, ठीक है, जो ये क्या होते हैं कैटेगोरिकल होते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस वो होते हैं जिनमें नंबर्स की बात होती है, ठीक है, जो चल रहे होते हैं नंबर्स होते हैं। तो अगर आपके वेरिएबल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस होंगे तब हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन करते हैं, जिनमें हमारे पास इंटरवल और रेशियो स्केल पर आ रहे होते हैं वो वेरिएबल्स तो फिर हम करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। दूसरा ये कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे पता चलता है, ये उसकी नॉर्मल कर्व बननी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल कर्व होनी चाहिए जो हमने ऊपर बनाई थी, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलता है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यूज हैं वो भी हमें बताती हैं कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर आपके वेरिएबल्स जो हैं इन तीनों करेक्टरिस्टिक्स को अजम्पशंस को फुलफिल करें तो फिर हम पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन करते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड That is all about it. Allah Hafiz.